तो सेकंड स्लॉट का जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है एंड मैं एग्जाम सेंटर पे हूँ, लाइव रिव्यू लेने वाला हूँ। स्टूडेंट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, उनसे मैं पूछने वाला हूँ कि आज का उनका कैसा रहा एग्जाम, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम था? जनरल टेस्ट और हिंदी। जनरल टेस्ट और हिंदी। हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? आसानी से। आसान थे। जनरल टेस्ट में कहाँ से मोस्ट पोर्शन है, क्या मैथ से है, रीजनिंग से है, करंट अफेयर से है या फिर स्टैटिक जीके से है? करंट अफेयर से था कुछ क्वेश्चन और क्वांट क्वेश्चन, क्वांट सेक्शन से ज़्यादा। क्वांट सेक्शन से मोस्टली ज़्यादा, क्वांट और जनरल से। तो आप इसको अगर कैटेगराइज करना चाहें तो मॉडरेट, ईजी या फिर हार्ड में, किस में मॉडरेट करें? मॉडरेट। मॉडरेट, ओके, थैंक यू। आप एग्जाम दे के आ रही हैं, तो कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया। लैंग्वेज अच्छा था, जीडी थोड़ा टफ था। लैंग्वेज आपका इंग्लिश था या हिंदी? लैंग्वेज मेरा हिंदी था। और हिंदी में कैसे, कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए? मोस्टली क्वेश्चन अव्यय से पूछा गया था। अव्यय, हाँ, और समाज से पूछे थे। ओके, मुहावरे, संधि से? मुहावरे ज्यादा नहीं थे। जीटी मॉडरेट, जीडी थोड़ा टफ था। क्वेश्चन उसमें से परसेंटेज में से आए थे, प्रॉफिट लॉस था। ओके, और क्या करंट नहीं था? करंट नहीं, करंट नहीं, स्टैटिक जीके से था। स्टैटिक जीके था। स्टैटिक जीके था। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आप भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं? एग्जाम दे के, चलिए, आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? आपका आपका कौन सा एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था? यूजी। नहीं नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हिंदी और जनरल टेस्ट। ओके, हिंदी और जनरल टेस्ट था, ठीक है। और भी लोगों से बात करने का मैं ट्राई करता हूँ। आप ये एग्जाम दे के आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? जनरल टेस्ट और फिजिक्स मैथ। फिजिक्स मैथ, नहीं नहीं नहीं, आज जनरल टेस्ट का और हिंदी का था। आज जनरल टेस्ट और हिंदी का था। जनरल टेस्ट का पेपर कैसा था, मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड? नहीं नहीं, हार्ड भी नहीं था उतना, जो पढ़ा हुआ होगा उसको सही लगेगा एग्जाम। ओके, और काफी आसानी देख लिया, पेपर इजी आया था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। जी जी, मॉडरेट। क्वांट से क्वेश्चन थे, रीजनिंग से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर थे या फिर स्टैटिक से? नहीं, क्वांट से थे और जीके से, उसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। अगर एक दो क्वेश्चन आप करंट अफेयर का रिकॉल कर पाए तो? नोबल प्राइज से कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं, अभी नोबल प्राइज से तो नहीं था। ऑथर से कोई? नहीं नहीं, वो कोई रिवर से था, उसमें विशेष को लेकर के। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और भैया आप एग्जाम दे के आ रहे हो? नहीं। आप एग्जाम दे के आ रही हैं? नहीं। एग्जाम दे के आ रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी एग्जाम दे के? चलिए, और भी लोगों से मैं, स्टूडेंट से, मैं बॉयज से पूछने का ट्राई करता हूँ, गर्ल्स थोड़ी अनकम्फर्टेबल रहती हैं। सो आप भी एग्जाम दे के आ रहे हो? आइए इधर आइए। कौन कौन सा एग्जाम आपका था? हिंदी और जीके। हिंदी और जीके। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं? हिंदी तो समाज समाज से पूछा था और पर्यायवाची था। पर्यायवाची से था। मुहावरों से क्वेश्चन कोई था? हाँ, मुहावरों से था। और बाकी संज्ञा सर्वनाम से? हाँ, ये सब का मिक्स था, व्याकरण ज्यादा था। व्याकरण ज्यादा था। पैसे से कितने क्वेश्चन थे? पैसे से दो पैसे थे, उसमें से एक दो क्वेश्चन थे। एक एक पैसे से एक दो क्वेश्चन? हाँ, दो थे, दो मिनिमम। ओके, मिनिमम दो थे। ओके, और जीटी में आपने क्या किया है? जीटी तो टफ था। जीटी टफ था। हाँ, मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन ज्यादा पूछा हुआ है। मैथ ज्यादा था। मैथ ज्यादा था। करंट अफेयर से कुछ? करंट अफेयर से दो तीन क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके से था, एक दो क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन। कोई अगर क्वेश्चन रिकॉल कर पाए तो? हाँ, ये पूछा था तेलंगाना, मतलब किस सन में बना था? किस सन में तेलंगाना बना था? राज्य। और कोई आइडिया अभी याद नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी मैं स्टूडेंट से पूछने का, आप भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं? चलिए, फिलहाल इतने से तो रिव्यू मिल ही गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन है। डेफिनेटली मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एज यूजुअल, और बाकी करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो अभी एक दो लोगों से और मैं पूछने का ट्राई करता हूँ। अभी स्टूडेंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। भैया आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? चलिए, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो? नहीं। ओके, भैया 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 आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो? एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, बताइए कौन सा सब्जेक्ट था? चलिए, उनको दूर जाना है। एनीवे, और कोई एग्जाम दे के आ रहे? भाई एग्जाम दे के आ रहे हो? एग्जाम दे के आ रहे? बहुत कुछ नजर आ रहा है, पेपर बहुत अच्छा, पेपर बढ़िया था, एकदम छाप दिए हो, छापे हैं ठीक ठाक यार, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, अटेम्प्ट हुआ है। जीटी तो मैं मैथ पूछा था, हमें थोड़ा कॉमर्स स्ट्रीम से, तो ओके, तो थोड़ा सा मैथ में दिक्कत हुई है। हाँ, पर मैथ थोड़ा था। जनरल टेस्ट में मैथ और रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन थे? नहीं, रीजनिंग के कम थे, क्योंकि मैथ से ज्यादा थे क्वेश्चन। मैथ से ज्यादा थे। और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज? और हिंदी तो बाकी अच्छा गया, हिंदी बहुत बढ़िया आया था, 40 का 40 किया, बहुत सही बहुत सही। चलो, बेस्ट ऑफ लक। तो ये सारा रिव्यू कल जो था वो कल स्लॉट में इंग्लिश के पेपर दिए हुए थे, और आज जो लैंग्वेज है वो हिंदी का पेपर है। मैथ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं,
रीजनिंग से क्वेश्चंस की संख्या कम है, जीके करंट अफेयर से भी कुछ। आप ये एग्जाम दे क्या रहा हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? मेरा जनरल टेस्ट था और हिंदी था। कोई क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पाए जनरल नॉलेज का? पूछ रहा था कि भारत के कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की सर कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। अच्छा, कोकिला किसे कहा जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैथ में कहाँ कहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कहाँ से क्वेश्चन थे? बहुत क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्वांट के। क्वांट की सुप्रीमेसी फिर से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और सिस्टर ऑफ एग्जाम दे क्या रही हो? कौन सा एग्जाम था? CUET का। CUET में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? जनरल नॉलेज और हिंदी। दोनों का एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर वही है सेम चीज़, लैंग्वेज का पेपर इजी है और जनरल टेस्ट का पेपर मॉडरेट है। बाकी इसके अलावा आपको क्वांट पे ज़्यादा फोकस करना होगा बिकॉज क्वांट की सुप्रीमेसी है, रीजनिंग से क्वेश्चंस कम है। एंड आई होप आप लोगों को ये हैल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अनिकेत अग्रहरी ब्लॉग्स। थैंक यू।